बल घाटी के सटो गांव का राकेश 8 साल बाद सऊदी अरब से सकुशल स्वदेश लौट आया है। राकेश के घर पहुंचने पर परिजनों ने राहत की सांस ली है। 8 साल तक सऊदी अरब में नौकरी करने के बाद वे खाली हाथ घर लौट आया है। इतना ही नहीं, घर वापसी के लिए हवाई टिकट का प्रबंध करने के लिए उसे मेहनत मजदूरी करनी पड़ी। इतने सालों से जिस ठेकेदार के पास वे काम कर रहा था, उसने भी हवाई टिकट के पैसे नहीं दिए। उसे श्रम न्यायालय से भी न्याय नहीं मिला। 8 साल से उसे सिर्फ 4 साल की पगार मिली है और उसे 4 साल गुलामी में गुजारने पड़े। बाद उन्होंने कुछ दिन तक सैलरी वगैरह जो भी था कुछ दिया, उसके बाद उन्होंने कुछ भी एक पैसा नहीं दिया। मतलब जब भी सैलरी के लिए पूछते तो बोलते थे हाँ अभी थोड़ा हमारा सिस्टम ख़राब है कंपनी का, कुछ दिन रुको, एक महीना रुको, 2 महीने रुको, ऐसा करके उन्होंने कोई सैलरी नहीं दिया। खाली खाने पीने के लिए पैसा नहीं देते थे। जब भी उनके पास जाते थे बोलते थे नहीं ये पैसा, एक पैसा नहीं। उसके बाद थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता था उधर खाने पीने का जो भी था। तो उसके बाद हम लोग जब भी जाते थे तो घर आने के लिए बोला उनको कि घर भेजो हम लोग, तो बोलते थे अभी नहीं भेज सकते हम लोग। उसके बाद मेरे को बहुत बहुत मुश्किल होता था उधर। मतलब हम लोग रात रात भर सोने पर मिलते थे रूम पे, तो बोलते थे हमारा रूम छोड़ दो यहाँ से, आप लोग जो है रूम छोड़ के बाहर जाओ इधर से। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट।